31 मार्च 2017 से पहले लोग प्राइम मेंबरशिप और जियो रिचार्ज करने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। इसी बीच अंबानी ने एक नया धमाका किया, जियो समर ऑफर। जियो समर ऑफर 31 मार्च 2017 से पहले जो ऑफर था उसी का मात्र एक्सटेंशन है। जियो समर ऑफर में 1 GB डाटा पर डे मिलेगा। 1 GB डाटा कंज्यूम करने के बाद 128 KBPS की स्पीड से यूजर नेट का यूज कर सकते हैं। 31 मार्च 2017 से पहले जो वॉइस कॉल और अदर ऑफर्स से वो सारे लागू रहेंगे, अर्थात 31 मार्च 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक वॉइस कॉल अनलिमिटेड डाटा फ्री रहेगा। हम इसे किस प्रकार यूज कर सकते हैं? जियो समर ऑफर यूज करने के लिए 15 अप्रैल 2017 से पहले प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा, फिर साथ ही साथ 303 और उससे अधिक अमाउंट का रिचार्ज करना पड़ेगा। जो भक्ता या यूज़र दूसरे नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो पोर्ट करके जियो में आ सकते हैं, और जियो में आने के बाद अगर वो प्राइम मेंबरशिप और 303 या उससे हायर अमाउंट का रिचार्ज करते हैं तो उन्हें ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो ऑलरेडी ये रिचार्ज कर चुके हैं, प्राइम मेंबरशिप ले चुके हैं, 303 या उससे हायर अमाउंट यूज कर चुके हैं, उनका क्या होगा? उन्हें भी जियो समर ऑफर मिलेगा, और जो 303 रुपये वो पेमेंट कर चुके हैं वो जुलाई 2017 में यूज होगा। यहाँ एक बार बता देना चाहूँगा, जो 149 रुपीज़ का रिचार्ज किए होंगे उन्हें जियो समर ऑफर नहीं मिलेगा। अगर 15 अप्रैल 2017 से पहले अगर प्राइम मेंबरशिप नहीं लेते हैं, 303 या उससे हायर का रिचार्ज नहीं करते हैं तो उन्हें भी ये छूट नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। Thank you.